बिहार में नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज की खबर जब एबीपी न्यूज ने दिखाई तो नीतीश सरकार ने कार्रवाई का दावा किया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। सोमवार की दोपहर की ये तस्वीरें हैं। हाथ में तिरंगा लिए युवक की पटना के एडीएम के सिंह ने बेरहमी से पिटाई की। राजधानी पटना में बीच सड़क पर तिरंगे का अपमान किया। लेकिन घटना के 30 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी एडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि कल ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पटना के डीएम ने लाठी मारने की घटना को गलत बताते हुए एक्शन की बात कही थी। एबीपी न्यूज सवाल पूछ रहा है कि तिरंगे के अपमान की तस्वीर सामने है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पटना के लाठीबाज एडीएम पर एक्शन से कौन रोक रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस घटना पर अब तक चुप क्यों हैं? बीजेपी एडीएम की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। सरकार के उप मुख्यमंत्री ने पहली कलम से पहले कैबिनेट में अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की व्यवस्था कर ली, और जो शिक्षित युवा है, जो पढ़े हुए युवा है, जो एसटीटी पास युवा है, उनके लिए लाठी की व्यवस्था कर दी। तिरंगे पर लाठी चलाना ये देशद्रोह का मामला बनता है, उसकी तुरंत उस एडीएम की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। तिरंगा थामे जिस युवक की सोमवार को पिटाई हुई उसका नाम अनीसुर रहमान है, जो कि दरभंगा का रहने वाला है। घटना के बाद दरभंगा लौटा अनीस इंसाफ की मांग कर रहा है। पहला मेरा डिमांड ये है कि तिरंगे का जो अपमान हुआ वो हम जिंदगी भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा हमारा डिमांड है, अगर नीतीश सरकार अपनी सत्ता और अपना कुर्सी बताना चाहती तो उसको 2022 में ये सातवां चरण कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए उनको जो करना पड़े कर दे। पटना में कल जिस जगह प्रदर्शन हुआ उसके आसपास धारा 144 लगा दिया गया है ताकि भीड़ जमा ना हो। बात पंजाब की करेंगे, जहां पटियाला में लाठीचार्ज किया गया है। बिजली लाइनमैन की ट्रेनिंग ले चुके प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी है। ये लाइनमैन सड़क पर इसलिए उतरे थे क्योंकि सरकार ने ट्रेनिंग के बाद इन्हें टेस्ट देने को कहा है। ये प्रदर्शनकारी बिजली बोर्ड के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने इन्हें खदेड़ने के लिए लाठियां चलाई। तो बिजली लाइनमैन भर्ती पर पंजाब में पटियाला में ये बवाल, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।